फिलहाल क्वेश्चन करो, बाकी भाई देखो अपनी अपनी श्रद्धा है ना, अपनी जो है सीट बुक है बिल्कुल कहाँ पर नर्क में, तो ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, तुम अपनी अपनी देख लो। बाकी तो भाई अपनी अपनी सोच है ना, कोई भगवान को ढूंढ रहा है, कोई भगवान को ढूंढ रहा है, कोई भाई खुदा को ढूंढ रहा है। पहले इंसान ये नहीं सोचता है भाई तुम इतने क्यों चिपड़ा रही है ना, जैसे यहाँ पर लोग व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं और तुम ढूंढ किसको रहे हो, पर ये है ना तो भाई भाई साहब है, जैसे अनपढ़ आदमी कह रहा है यूपीएससी का एग्जाम निकाल के चलते क्या है पॉसिबल, अनपढ़ आदमी भाई मुझे जैसे मानते ही मैं सोचते हैं
कितने प्रतिशत है? 0.5 20 का कितने प्रतिशत है?
दो किलो एक बने दो का मान कितना होता है बेटा 0.5 ऐसे लिख दिया तो गलत कर दिया तो नाम लिख दिया है कि ये का दो लिखे फिर दो लिखे भाई आपको हमने क्या सिखाया था तो चौथे पांच में कुछ नहीं पढ़ गया है जो आगे वो ऊपर चौथे पांच में पास कुछ पढ़े होते तो आज सिंगल हम ना देते इसका देखो आपने कॉपी लिख के लिखो पॉइंटों में क्या लिखोगे उसे पॉइंटों में सर जी पहला तो पॉइंट दो पॉइंट आ फिर दो पॉइंट जीरो पॉइंट आ गए हाँ तो पता तुम बाकी लोग लिखो बाकी लोगों ने पता है बहुत सारे लोगों ने ये तीसरे और चौथे क्लास का स्टैंडर्ड का है ना आगे सर ज्यादा कुछ होने वाली बात नहीं है ये अभी सीखना जरूरी है क्योंकि सीखेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तो बेटा यहाँ पर देखो आपने लिखा पूरा 28 लिख दिया कितना जीरो है इधर से गिनते हैं एक संख्या की बात कर रहे हैं संख्या 8 ये संख्या हो गई यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिया कितने जीरो है इधर से गिनो दो के बाद क्या आएगा पॉइंट दो के बाद एक दो दो के बाद पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ दूसरा वही यहाँ पर संख्या लिख दिया फाइव कितनी जीरो है तीन संख्या लिखो ए दो तीसरी तो है ही नहीं तो क्या कर लो जीरो लगा लो आप लगा लो बात तो समझे देखो कितनी हो एक दो तीन पर संख्या कितनी मान लो दो उसके पीछे हमने क्या लगा लिया जीरो तो कितना हो जाएगा एक दो अब तीन उसके बाद क्यों तीन के बाद पॉइंट क्यों क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो है अब यहाँ पर जो लिखा है 28 और एक दो तीन चार के बाद जीरो आएगा पर ये तो कितने हमारे दो ही है दो हमको पॉइंट और लगा दो जीरो लगाने पर उसके बाद पॉइंट अब बताओ 5/10 कितना आएगा पॉइंट पाँच है या फिर 0.5 लिख लेते हैं जिससे दिखने में अच्छा लगे 0.5 हर कहीं क्लियर हो गया डाउट तो नहीं है तो भाई गांव का जो प्रधानी इलेक्शन होता है सबको पता है और शहर में किसका होता है नगर पालिका का नगर पालिका नगर परिषद और नगर निगम ये नाम सुने हैं ये अंतर की बात एक ही है नगर पालिका नगर परिषद और एक नगर निगम तो तीनों बात एक ही है कि सब बात एक ही है कि अलग अलग है किसके हिसाब से अलग अलग है किसके ऑलरेडी चल रही है तुम्हारे में और उसके बाद आता है महानगर है वो बाद में तो बेटा ये जनसंख्या के हिसाब से होते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है खुद से कोई पढ़ाने कोई परिश्रम नहीं आया है ना ना कोई ज्यादा तीन बच्चा के जो तुम आएगा तो पढ़ाएगा खुद से खुद का दर्शन है ना तो खुद से पढ़ने की फिलहाल जब भी वोटिंग होती है वोटिंग का समझ समझते हैं वोट डालना है ना हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो मान लो ये लिस्ट है हाँ इसमें ऐसे नाम लिखे हुए हैं ये नाम लिखा है ये नाम लिख रहा है ये नाम लिख रहा है ये सब पढ़ने वाले हैं ना ये सभी क्या लिखे हुए हैं ना वो बात अलग है कि सिंधु सभ्यता में जो लिपि पाई गई थी उस भाषा में तुम समझ नहीं पा ऐसे लिपि तो ये क्या है इसको हम पढ़ नहीं सकते तो ऐसे ये लिस्ट हो गई और हमने देखा कि अपने गांव में देखा कितने वोट है कुल तो बेटा अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो ये कितने हो गए 100% कितने हो गए कितने हो गए 100%
पहले बात को समझना है, फिर अच्छे से उनको सीखना है। अगर सब लोग वोट डालने गए तो कितने परसेंट वोट पड़े? 100%। पहले सीखना है आपको। अगर मान लो 100 लोग थे, 100 लोग वोट डाला तो कितने परसेंट पड़े? 100%। पर अगर मान लो इसमें से 20 वोट ऐसा है, हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें अपने धान काटने तो बड़ा वोट की, तो 20 बार चलेगा धान काटने कितने लोगों ने वोट डाले? तो अब आप बताओ, जो भी जीतेगा या जो भी हारेगा, क्या इनकी वजह से हारेगा जीतेगी? इनकी वजह से भाई वोट तो ये पड़े हैं, परिणाम इनसे आएगा ना कि तभी आपने सुना होगा कि नागालैंड में पहली बार हुई 64% वोटिंग, या फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 62% वोटिंग, या 70% वोटिंग। उसका क्या मतलब होता है? अगर 100 वोट है तो 100 में से कितने पड़े? 70। 30 लोग क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, बाकी लोग नहीं है। अब आप बताओ, अगर हम आपसे कहें कुल वोट कितने हैं 800, और हमने कहा 80% वोट पड़े, तो बताओ कितने लोगों ने वोट डाले? ऐसे देखिए बताओ, 800 कुल वोट रहे एक गांव के, ठीक, 80% लोगों ने वोट डाले, तो आपको ये बताओ कितने लोगों ने वोट डाले? 700 लोगों ने वोट डाले, 500 लोगों ने वोट डाले, 640 लोगों ने वोट डाले, 640। तो बेटा ये 100% है, इसका कितना निकालेंगे? 80%। भाई तभी तो भी सिखाया है, इसका 80% निकालो पहले, 80% 100%। और ये किसके बराबर है? हमने कह दिया कुल वोट कितने बेटा? 1600 वोट है। अब अपने गांव में तुम बस दो ही लोग खड़े हुए, एक हुए तुम और एक हुए कौन? हारने वाला। कौन जीतेगा? जिसको वोट ज्यादा। अरे भाई लिखना तुम नहीं है, लिख ले जब तक तुम्हारे पास समझ में नहीं आ जाए तब तक लिखने को फायदा है। तुम में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि गांव में जो प्रधान बनता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने पैसे जमा होते हैं, कितने पैसे वापस मिलते हैं, कब नहीं मिलते हैं, और जो वार्ड मेंबर होता है उसका कार्य क्या होता है, जो प्रधान होता है उसका क्या कार्य होता है, आपके प्रधान चौड़े में क्यों घूमता है, तो ये सब तो पता होना चाहिए ना। कल को अगर नॉमिनी लगी तो इलेक्शन तो है फिलहाल, तो एक बंदा ए और एक बंदा। अब देखो इसको मिले 55% वोट, अब आप बताओ होने का वोटिंग पूरी हुई तो इसे कितने परसेंट मिले होंगे? इधर देखिए 100 में से 55 मिले, इसको मिले 50% वोट, तो इसको क्या कोई जीता? तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती, भले बेमानी करनी पड़ जाए, एक दो वोटों की लिखा भी होगा, है ना, तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती है। सिखा रहा उसको फोकस रखना है, इसको मिले बेटा 64% वोट, तो इसे कितने मिले होंगे? 100 में से 64 अगर इसको मिले गए तो बाकी 100 में घटा देंगे 64 जाएगा, इसे कितने मिले? कुल वोट कितने हैं? अब आपको बताना है जो हारा है, ये तो हारा है, ये हार जाएगा जीत जाएगा, इसे बताओ वोट कितने मिले? ये तो 36% है, वोट कितने मिले? 570। तो कैसे निकाल लो 1600 का? भाई 1600 का कितना मिला है? 36। तो 1600 का 36 और बटे जो दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, डबल जीरो से डबल जीरो, 16 का पारा याद होगा, 16 छक्का 96, हाथ लगे 9, 16 दिया 48 और 9 576। तो अगर वोट निकालने तो इसके निकालने को वोट कितने मिले? अच्छा इसके वोट कितने होंगे भाई?
इसके निकालो जरा भाई कितने का नहीं है 64% कितने का तो कुल मोड कितने भाई 1600 उसका 64 जीरो के साथ 1600 का 64 कितने के 6 16 96 96 में 6 जोड़ दे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे 1024 से मेरे अब लिखना था तो लिख लो और कहीं पर किसी को डाउट हो तो देना है किसी को बाहर को बाहर भी डाउट हो जीतने वालों को कितने परसेंट वोट ज्यादा मिले इससे 10%
तो 10% बढ़ाकर कितने वोट ज्यादा हो गए 280 वोट। जरा दो के पाले से दो मोर काटो। बेटा 5% बढ़ाकर कितने हो गए 100। हमने क्या किया 2 से जब यहाँ पर काटा तो 2 से यहाँ भी काटा, 2 बजे 10 और 14 गुनी 18। यहाँ भी जब 2 से काटोगे तो यहाँ भी क्या काटोगे 2 से काटोगे, तो 5% का मान कितना आ गया 140 वोट आ गया। ठीक हाँ, हमको किसका निकालना है बी का। आप बता दो बी को कितने परसेंट वोट मिले हैं, कितने मिले बेटा 45। 5 में किससे बड़ा करेंगे 45 बन जाए, तो पहले करना 100 पर कैसे मारेंगे, 5 में किससे गुणा करेंगे क्या बन जाए 45, किससे गुणा करवाओगे, ये कौन सा चिन्ह है, जब इधर 9 से गुणा किए तो इधर किससे गुणा करोगे 0 का 0 14 नेमा बाड़े यहां का नेमा सुन लिया 156। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1260। एक ऐसे निकालना है एक एक कितने वोट में एक है बेटा 55%, इससे गुणा करेंगे हम लोग 11 से, तो यहाँ गुणा कितने करोगे बेटा 11 से, 0 11 चौक 44 वहाँ से लेकर कितना 4 11 एकम 11 11 और 4 तो ये तो वोट कितने आ गए 1540। बिंदु कितना है 1260। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछ लेना है, तो समझना जरूरी है। आया था नहीं आप नहीं आए, जीतने वाले को 280 वोट ज्यादा मिले हैं, पर हम लोग बात करें प्रतिशत की तो कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं देखो 10, तो 10% का मान किसके बराबर है 280 वोटों के। हमने दो से काटा दो तरफ तो बराबर है, दो से यहाँ काटो दो से यहाँ भी काटोगे, 5% का मान कितना हो गया 140। सचिन 5 का ही मान को निकाला क्योंकि सचिन को पता था, तुमको भी पता होना चाहिए कि 5 से 2 में ये चीज कट रही है, भाजपा का नियम पढ़ाया था भाई, इसके लास्ट में 5 इसके लास्ट में कितना है 5 है, इसका मान निकालें हम लोग 5 का निकालने। अब हमको 5 से कितना बनाना है 95, बेटा किससे गुणा करेंगे 9 से, जब यहाँ 9 से गुणा करोगे यहाँ किससे गुणा करोगे 9 से, 14 नहीं है 126 जीरो लगा दो और 1260 बी को निकालो, 5 से कितना बनाना है 55, किससे गुणा करोगे 11 से, तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे 11 से, 0 0 11 और 44 मान लगे 4 11 11 और 4 एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जीतने वाले उम्मीदवार को, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 65% कुल वोटों का 65% प्राप्त हुआ, कुल वोटों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 वोटों से 900 वोटों से जीत गया, और वह 900 वोटों से जीत गया। याद कीजिए कि
याद कीजिए कि सात दिन पहले ये इतना था, तो याद नहीं था पांच का मान कितना था। याद कीजिए कि मतदाता सूची मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। हिंदी पढ़नी नहीं आती है, कहीं आती हिंदी पढ़नी, सुना दो क्या लिखा है। भाई जीतने वाले कितने परसेंट वोट मिले हैं, तो हारने वाले को नहीं मिला होगा। कितने बचे उसके, सभी तो मार पाओगे। 9000 में मिला था हमें। तक कितने वोट मांगते हैं बेटा, 100। वो लोग पड़े हुए, एक का नाम था, एक का नाम क्या था, इसे मान लो जीता है, इसे कितने परसेंट मिले हैं। अगर आप पास 100 रुपए थे, पैसा यहाँ पर खर्च कर दिए, तो यहाँ पर कितने जोड़ो, 5, 5, 10, 6, 3, 9, 1, 10 हो जाएंगे। अब ये हारा है और ये कौन है, अब आप बताओ अपने हिसाब से। कह रहा है जीतने वाले को हारने वाले से 900 वोट, और हमें तो क्या पता है परसेंटेज। आप बताओ कितने परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा है, कितने परसेंटेज ज्यादा है। भाई सब घटाना बना आता नहीं आता, ये 5 रुपए ये कितने पैसे, इसके पास कितने परसेंट ज्यादा है। तो अपने हिसाब से इसके पास कितने परसेंट ज्यादा है। अब कौन सा जो लिखा है लाइन पढ़ो, कितने ज्यादा वोटों जीता है। तो कैसे पता चलता है कि ये 200 वोटों जीत गए, ये 100 से, मतलब उनके क्या होते हैं वोट ज्यादा होते हैं। तो भाई इसके कितने परसेंट वोट ज्यादा है, 30%, और 30% का मान बेटा दे रखा उसने कितना है। कुल वोट हमेशा कितने होते हैं, 100%। अगर 10 के पारे से, 3 के पारे से काट दोगे तो कितना जाएगा, 10 तीन दिया, तो बेटा 10% का मान कितना आ गया,
300 वोट हमेशा कितने होते हैं बोलो, बोलो वोट हमेशा कितने होते हैं बेटा, 100। अब आप भी बताओ मुझे 10 में किससे गुणा करें कि 100 बन जाए। जब यहाँ पर 10 से गुणा करोगे तो यहाँ भी किससे गुणा करोगे, बस एक जीरो पड़ जाएगा, कहाँ जाएगा, एक दो। तो बेटा कुल वोट कितने हैं, 3। ठीक है, जैसे कहा वैसे करते रहेंगे, आंसर आ जाएगा। कोशिश करो सीखने की, अब तो आ जाए अगर क्या कुछ लेना है बहुत टाइम में अभी ना ऐसे आ रहे तो हो जाएगी। आया था मैं बोला क्लियर, किसी को अगर और एक बार पूछना हो अगले क्वेश्चन का आंसर आएगा सभी के लिए, सेम क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा सा लेक्चर बदल देंगे, फिलहाल इस बार अगली बार कुछ नहीं आया तो पूछ लेना है। तुम जो कह रहे थे तुम 900 लिख रहे थे, 900 को लिख रहे थे कौन से हिसाब से, कुछ हिसाब बताओ क्या ऐसे ही अंदर बैठा भाई सब्जी बनाते हो उसका जो प्रोसेस होता है कि ऐसे ही हाँ
कम पड़ेगा, कम पड़ेगा मतलब एक के 45 दूसरे के 55, कितने परसेंट कम पड़े? 10%। और 10% का मान कितना है? 1000। तो 100% का मान कितना होगा? ये भी रोल लगाना होगा। बेटा कुल वोट कितने होते हैं? 100%। ये ए है और ए बी, इन्हें कितने मिले? 45% मिले होंगे। अब आप बताओ कौन हारेगा, ए की बी? क्वेश्चन में लिखा है ए हार गया, आप बताओ कितने परसेंट से हारा? पर वोट कितने? 10%। अब पूरी बात निकाल लो, पता नहीं इतनी सियाही बचा के क्या लिखोगे लास्ट में जाके। तो 10% बराबर 1000 वोट, कुल वोट कितने होते हैं? बेटा वोट जो हमने लगाए कई बार 100% होते हैं। तो ये 10% का मान आ गया, हमें कितना बनाना है इसको बेटा? 100%। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे? कुल वोट। और ऐसे में लिखा कर रहा हूँ, लिखते नहीं हूँ, मुझसे आए कि तुम पेट पकड़े फाड़ देंगे तो आराम आराम देखते हो सकते कि ज़्यादा क्या लिखा है। तो पूरा लिया हुआ कुल वोट बराबर 100% किससे बड़ा करेंगे भाई? तो यहाँ भी किससे बड़ा करेंगे? ये वाला क्वेश्चन तो हर महीने मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने मान लिया, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% 45% मत मिला, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला, जीतने वाले को 45%, तीसरे स्थान पे हो रहा उसको 25% मत मिला। ये जी दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 45 4500 मतों से चुनाव हार गया, दूसरे स्थान पर रहने वाला 45 मतों से चुनाव हार गया,
उन मतदाताओं की संख्या बताओ। तो ये क्या बोलेगा, हम 4500 वोटों से जीत गए।
ये क्या बोलेगा, हम 45 वोटों से हारे। ये कहेगा मात्र 45 वोटों से हारे हैं, ये कहेगा 4500 वोटों से जीते हैं। पर 15% का मार्ग कितना आ जाएगा, 4500। हमें कितने निकालने, हमें तो निकालने 100%। कुल वोट कितने होते हैं, 100। आप बताओ कौन सा पालन तुम्हें याद आ रहा है, अगर सबसे बड़ा क्या 15 दिन लग जाएगा, 15 दिया। एक का मान कितना वोट हो गया, कुल वोट बेटा कितने होते हैं, कुल वोट होते हैं हमारे 100%। अब आप ही बताओ एक में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, 100 से। तो भाई अगर हम यहाँ पर कितने गुणा करेंगे, तो यहाँ भी कितने गुणा करेंगे, 3। तो ये कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। देखो 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितने 3 और कितने बनाएंगे, 4। 1 2 3 4 इतने वो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 कितने हजार वो 30,000 बोलो कितने वोट हैं, 30,000। ऐसे ही क्या करो ज्यादा बढ़िया होता है। क्यों 1% का मान कितना आ रहा है, 300 वोट। बताओ जो बेचारा अपने घर चला गया तुमको पहले उसे पता चला आप जीतने वाले, ये वाला इसे कितने वोट मिले थे, जो अपने घर चला गया था ये सी वाला तीसरे नंबर पर आता है ये, इसे कितने वोट मिले थे, 5%। 25% से पैसे लिखा है यही करो, एक परसेंट का मान कितना है, 300 वोट। तो 25% का मान कितना होगा, 2500। बताओ कितने वोट मिले हैं बी को। तुम्हें यह पता नहीं एक का मान अगर 300 है तो 30 का मान कितना होगा, इन दोनों गुणा नहीं कर पा रहे, 3 दिया और कितने जीरो, 3 जीरो कितना हो जाएगा। अगर हम इससे पूछ लें तो एक का मान कितना है 300, तो 45 का मान कितना होगा, 45 दिया 135। और उसके बाद कितने जीरो, तो 135 लिखना, फिर क्या लिखना, 2 जीरो, इतना आ जाएगा 13,500। सब जोड़ना देखो इतने वोट आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो और कुछ कर लेंगे, देखो गांव में चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, अनपढ़, पर उन्हें वोटों की पूरी गिनती होती है। इस फोन में 200 मिल जाएंगे, 200 उससे मिल जाएंगे, 430 वोट और कहीं से मिल जाएगा, है ना। जे पर क्वार्टर तो 30 वोट पूरे करा, ऐसे ही तो होता है। तो उन्हें पूरा गणित पता होता है कि कैसे जीतना है, भले परसेंटेज पता हो या वोट पता रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अरे अभी तो 1 घंटा है, आधा घंटा है, त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय समझते हो ना, तीन लोगों के किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय चुनाव में किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा,
और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% बी को 48% मत मिले, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा, कहने की बात यह खोली गए। कितने मतदाताओं ने मत दिए, मतलब घुमान राजे पूछ क्या रहा है आपसे, कुल कितने वोटर थे। कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही आया थे ये वाला था, इसलिए मैं बस है ना सही से करना है, अच्छे से आंसर दे रहे हैं। और जिनके दोस्त सहेली सगा बंधु नहीं आ रहे हैं, उनको पूछना भाई तुम क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, है ना। कोई दिक्कत है तो बताने की है ना, शेरे की नहीं बता नहीं दीजिए, शेरे करना क्या है, खाना वाना जो शेर करोगे बातें करवा दो है। बाकी इधर आता है पलक नाम की तीसरा ग्रुप वाले मान लीजिए दोनों नाम के ये 2000
तो तीन लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम क्या है? चलो तो निर्णय करते हैं। ए को कुल मतों कितना मिला है? बी को और सी को कितना है पता है? क्वेश्चन दे रखा है नहीं दे रखा है? तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 58। अगर 100 में से 58 को बेटा घटाएं तो कितना बचेगा? 10 में से 8 का 0 पहले 9 हो गए 5 गए। ये दूसरे स्थान पर आई है, पहले स्थान पे ये को क्या हुआ होगा? जीत गया। और वह कितने मतों जीत गया? तो भाई इससे ज्यादा है उनसे ही तो जीता है। इससे ज्यादा कितना? ये 42 से 48 कितना परसेंट ज्यादा है? और ये किसके बराबर है? 1200 मत के बराबर। पूरी बात इतनी है, 6% बराबर 1200 मत। काटा पेटी में डालो 6 का 6 दूनी 1% बराबर बेटा कितना आ गया? 200। हमें क्या निकालने हैं? कुल मत, कुल मत कितने हो गए हैं? 100। 100% तो एक में किससे गुणा करेंगे? 100 बन जाए 100 से। ये बराबर का चिन्ह किस लिए लगाया है? कि अभी तो इधर करोगे वो उधर करोगे, इसलिए 100 से गुणा करोगे बेटा 4 ही हो जाएंगे। 2500 लग गया। कितने हजार बन जाता है? 20,000 बन जाता है। आपको ज्ञात करना है अगली लाइन में बी को कितने मोल मिले। तो बी को कितने मिलना है? 48%। 1% का मान कितना है? 200। तो 48 कितना हो जाएगा? गुणा करा दो जिससे 200 बेटा 48 × 96 और 0 96 100। तो बी को कितना आ जाएगा? 42 × 200 कितना आ जाएगा? 84। तो अभी तक बहुत अच्छी कहानी चल रही थी है ना, बिल्कुल काम ऐसा चल रहा था कि भाई इलेक्शन कार्ड का चल रहा था क्योंकि सब लोग वोट डाल रहे थे, पर अब इलेक्शन ऐसा होगा बहुत सारे लोग वोट ही डालेंगे। तो वैसे तुम्हें कोई पूछे ना, पूछे जब वोट पड़ जाए तो तुम बस खाली फोन कर देना, हम तो अपने घर पे बैठे हैं, वोट नहीं डाला है। 4-5 गाड़ी आ जाएंगी तुम लेने। सही का कह रहा दर्जी ने किया ही है भाई, दुनिया में रहे तो दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। किया तुमने? हम तो है नहीं घर पे, घर पे बैठे हैं, मोटरसाइकिल लाइटिंग हमारी। अरे आ रहे तो बहुत ना ही होता होगा। आप जब कहा तो कुछ अवैध वोट होते हैं, अवैध। अवैध का मतलब क्या होता है? जो सचिन पड़े थे वो बेकार पड़े थे पर बेकार हो गए, मतलब अब इनका जीतने हारने वाले में कोई रोल नहीं होगा। उससे लगेगा तब समझेंगे। देखो एक चुनाव में किसी को ऐसा नहीं लगता बहुत तेज तेज पढ़ा देते हैं। चले जाओ काम वाले फोन होगा। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए बेटा कितने परसेंट अवैध हो गए? 20। अवैध हो गए, अवैध का मतलब वैध। करीम और रावत
दो उम्मीदवार उनके नाम है, इलेक्शन देखा नहीं, नाम नहीं होते इलेक्शन के बाद होते हैं। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत रावत वैध मतों का 40%, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से और 1600 मतों से पराजित हो गया, पराजित हो गया। तो आशा करते हैं कि तुमको पराजित का मतलब पता आ गया है, पराजित हो गया। याद कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो बेटा बस हल्का सा 30 तक आने में बाकी सब पैसा ये धारणा 20% तो खराब हो गई, उसके बाद 80% पे रहा ही नहीं। करो बराबर इतने आगे लिखे हो 40% वैध मतों का प्राप्त हुआ और वैध 1600 मतों से पराजित हो गया।
तो ये कैसे होंगे हमारे बैर, ये कैसे होंगे हमारे। अब इसमें है दो लोग, एक है करीम और एक कौन है रावत। तो देखो मेरे वोट कौन से बन गए हमारे लिए, तो भाई जितने हारने वाले तो ये वाले वोट बन गए, जितने हारने वाले तो ये वोट बन गए। अब रावत को कितने मिलने हैं, 40। क्या चीज 50 है, किसके बैल मतों के, मतलब बैल मतलब 100 मान के चलेंगे तो ये पूरा पूरी ये हो गए। तो 40 अगर इसको मिले तो इसको कितने मिले होंगे, सीखना है इसके इसके 100 इसके मतलब जो 100 चल रहा है इसके 60 नहीं है, किसके 60 है 80 के, मतलब 80 का 60 प्रतिशत भाई, किसका 80 का निकालो, 80 का 60 प्रतिशत कितना हो जाएगा 48 करके, 100 का 60 प्रतिशत नहीं भाई, भाई में कौन से मारे 80। अब इन 80 का कितना 40% इसको मिला और 60% इसको मिला, बताओ करीम को कितने ज्यादा मिलने हैं, 20 प्रतिशत पर किसका 20 प्रतिशत, किसका 80 का, तो भाई गुणा कर ले 80 का 20 प्रतिशत बेटा, ये किसके बराबर है देखो, 80 का क्या करो गुणा 20 प्रतिशत किसके बराबर है 1600। अब आपको पता है ये भी प्रतिशत में था, देखो ये चीज लगाया ऐड करके और ये भी प्रतिशत में है, ठीक ये किसका मान होता है, इसका मान क्या होता है, कितना होता है 1/5, इसका मान कितना होता है 4/5, या फिर ऐसा ना करो ऊपर अगर हम लोग लिखें 20/100 प्रतिशत हटाएंगे नीचे कहाँ जाएगा, ये भी हमने आपको सिखाया था जब प्रतिशत से हटाते नीचे कहाँ आता है बोले 100 का ऐसा कम लिख रहा है सर जी, क्योंकि लिख गया 8 दूरी कितने होते हैं 16, इसे डायरेक्ट कट जाएगा देखो भी, तो 8 दूरी कितने हो गए, तो ऊपर क्या बन गया देखो यहाँ से इधर नाम लिखना 1600 और बटे इनकी भी गुणा हो जाए कितने जीरो बराबर कितने, इससे ये कट जाएगा ये भी हम एक आ जाएगा, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 1 और गुणे इधर चले जाएंगे कितने जीरो 1, 2, 3 और इसकी गुणा करा दो कितना आ जाएगा 1% बराबर 45,500 और ये किसका मान आया, ये तो 1% का आया है, पर आपको क्या निकालना है बताओ, हमको निकालने हैं कुल वोट, कुल वोट कितने हैं 100%, तो यहाँ से अगर 1% का मान कितना आया हमारा 45,500 4 0 में, तो कुल वोट बेटा कितने होते हैं, कुल वोट पूछ रहा है कुल वोट या कुल मतदाता की संख्या किससे बना करा लोगे, तो यहाँ भी किससे बना करा लोगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे कितने हो जाएंगे, कितने आ गए वो 10,00,000 वोटर आ गए 10,00,000। समझने वाली बात कौन सी थी यहाँ पर, ये वाली इम्पोर्टेंट भाई, 100 कुल वोट थे सही वाले, 20% कैसे हो गए, अब है बचे कितने 80%, 100% में 20% खराब हो गए कितने 80%, इन 80% में से जो वैध हैं इनमें से 40% इसके 40% किसको मिलेगा, तो इसके 60% किसको मिले करीब को, करीब जीत गया होगा, तो भाई कितने करीब को ज्यादा मिले, तो 80 का 20% ज्यादा मिला, वो किसके बराबर है, वो है 1600 के बराबर, 8 दूनी 16 बटे हमने 100 में बन लिया, आपको पता ही है हटाने के लिए, तो 8 दूनी हो जाएंगे 16 कट गया, एक का मान कितना आ गया 16 कटा 1/1000 इसी गुणा तिरछी हो जाती है, तो 1% बराबर कितना आ गया 10,000, 1% का मान निकाल लिया, तो कुल वोट कितने होते हैं 100% गुणा कर लेंगे 100 से क्या जाएगा हमारा, नोट कर लो क्वेश्चन में नहीं आया तो दो बार नहीं करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है बहुत सारे गलती यही कर रहे हैं, और जैसे बता रहे हैं वैसे लिखो ज्यादा बढ़िया है, वैसे लिखो सर भी नहीं आए, बहुत सारी गलती हो जाती है लिखने के तरीके से, वो सब बदल जाता है कभी कभी लिखा हुआ देख के बदल जाता है, इसका गलती नहीं आता। पहले तो पढ़ने में समझ नहीं थे,
पहले पट्टी में 100 आपकी पट्टी में 100 कौन लिया है? पहले क्या करते थे? पहले भी 1% का मान निकालते थे। जी सर, पहले अगर जैसे जीत जाता है तो 30 बराबर 16 एक रुक जाना बात तो भी नहीं कर रहा एक रुक जाना अगर यहाँ पर गड़बड़ बना गया है ना ऑपरेशन तो गड़बड़ कर दिया ऊपर ऊपर नहीं ऑपरेशन चंका बड़ी नहीं है बात नहीं होगा तो क्या ठीक है यहाँ पर तो अपन क्या लिखेंगे सीधे सीधे 8 × 16 ऐसे नहीं लिखते थे पहले है ना 1600% बराबर 100 मत काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1% बराबर ये तो 80 है इसका तो हम नहीं लिखते थे पर इसका 20% है इसका 20% तो भाई इसको हम 100 लेके चल रहे हैं 100 से 80 हो गया पर इसका तो हम भाई इसके लिए तो 100 लिखोगे बात समझ में आ गई यहां से यहां पर गलती हो गई थी ये तो 80 हम इसमें नहीं लिखेंगे पर जब इसका 20% होगा तो इसके लिए जब इसको हटाएंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे 100 तो ये कितना होगा भाई 8 × 16 और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ये 100 आ जाएगा कि काटेंगे ये 100 वहां चला जाएगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा 100 मत 1% कितना मान आ जाएगा 100 कुल मत कितने होते हैं कुल मत होते हैं 100% 1% का मान आ जाएगा 100 मत कुल कितने आ जाएंगे 100 से बड़ा करा लेंगे हम ये ये मत आ जाएंगे 1000 तो बड़ा होगा 1000 तो ये 20 ऐसा लग रहा है तो जब हम लोग 100 लेके चलते तो इनका तो नहीं लिखते हैं पर इसके बाद जो होगा तो भाई यहाँ तक तो हम लोग नहीं लिखते हैं इसका जो होता है वही लिखते हैं ना पर इसका जो अब होगा 20% यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इसका मतलब 80 का जो होगा 20% उसको तो ऐसे लिखेंगे चाहे 1/5 लिख लो चाहे 1/5 लिख लो पर हमें क्या लिख रहा है 8 × 16 लिखा दिख रहा था इसमें डायरेक्ट काट देंगे फिर इधर 8 × 16 तो इस 80 को तो पूरा वही लिखेंगे 80 और इसको क्या लिखेंगे 80 का 20% अब इसका 20% लिखो तो 20/100 लिख देंगे तो भाई 8 × 16 कितने हो जाएंगे 16% और बटे कितना चलता है 100 16 100 16 100 कट जाएगा ये नीचे है तिरछी बड़ा हो जाएगी तो 100 × 100 1% का मान कितना हो जाएगा 100 मत कुल मत कितने होते हैं 100 100 से गुणा कर दिए तो यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 ठीक तो है कौन सी वाली अगर कहीं डाउट है तो पूछ लेना अभी देखो अभी हम लोग क्या लिख रहे थे ये 100% होता था ये 80 ये 20 तो अंतर देखते 60% का मान निकालते थे यहाँ पर 100 से भाग कर देते थे क्योंकि डायरेक्ट बट यहाँ पर क्या है इसके बाद ये हुआ है इसका अलग परसेंटेज बनाया है तो इसका अलग बनाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे वैसे आपको परसेंट सारे वैल्यू पता भी है अगर भाग ना करना चाहो तो 20% का मान कितना होता है 1/5 से काट लो कितना हो जाता है ये 16 तो क्या आ जाता है 1% का मान कितना आ जाता है 100 तो डिपेंड करता है वैल्यू पता है ऐसे लिखो क्या पैसे वोटिंग तो उन्हें भी की अवैध का मतलब क्या हुआ एक पार्टी होती है ऐसे फिर पे यहाँ पर क्या हुआ वोट डाले हैं नहीं ऐसे ही खाने बने होते हैं ठीक है डाला कहाँ से कहाँ जा रहे हैं जैसे मान लो इस पे ये बना है फूल का है ना इस पे ये बना है गिटार का चिन्ह एक बनी है साइकिल का चिन्ह ये क्या बनी है साइकिल एक बनाई है गिटार एक क्या बना है कमल का फूल दिख रही है साइकिल दिख रही है साइकिल दिख रही है तो जाओ तो बोर्ड कहीं डाला जाता है
अगर आप तुमने इस पर चिन्ह लगाया तो काम वोट पड़ गया है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, आपने जल्दबाजी में वोट कहाँ चिन्ह लगा दिया है। अब ये वोट किसका हुआ भाई, ये वोट किसका है, ना तो इसका हुआ ना इसका हुआ, तो क्या हुआ ये वोट डालने गया था। नोटा का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट में ऑप्शन होता है नोटा। अब नोटा भी याद रखना, क्या होता है नोटा, अलग होता है नोटा, अलग होता है किसी को अगर कहीं वोट नहीं देना है तो जाओ सीधे अपनी पर्ची लेके, पर्ची है दिया दो बस, वो तुम्हारा पढ़ाई नहीं। अब आप कहाँ तक गए हो तो किसी ना किसी पे तो वोट लगाओगे, हालांकि जब तक आप ट्रैक से नहीं होती तो तुम्हारे नहीं देते जाने के लिए, सब पे लगा दोगे भाई, आठ मिनट भाई बहुत समय है। एक और लिख लो घर के लिए, दो व्यक्तियों के बीच हुए चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, कितने बचे 92। और तो सही बोल दिया करो, कभी कभी जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के अड़तालीस प्रतिशत मत प्राप्त किए, 48% मत प्राप्त किए, और वह 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। तुम क्वेश्चन ले रहे हो, अपनी आईडी का देख लो, हमारी रैली कितने साल की, और वह 1100 वोटों से जीत गया, 1100 वोटों से आगे कहानी सुनोगे। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या याद करो, चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या याद करो। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ऑप्शन दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं,